बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी के नेतृत्व में पंखासुर में हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया, जिसमें सरकार की किसान विरोधी नीतियों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस को उसके चुनावी वादों को याद दिलाया गया। उसेंडी ने सीएम भूपेश बघेल पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। वहां तक तो ठीक है, 2 एकड़ कर ले, लेकिन 5% से ज्यादा काम तो पूरा धान को वापस देंगे। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने जो वादे घोषणा उनके द्वारा किया गया था, किसानों को हमने एक धान का दाना खरीदने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन पिछले समय फरवरी तक बहुत सारे किसानों से धान नहीं खरीदी, उनका भुगतान जो कर रहा था वो 4 किस्तों में देने की बात कही थी, उसमें 2 किस्त अभी तक मिला नहीं। तत्काल 2 किस्त का भुगतान किया जाना चाहिए किसानों का, उसके साथ साथ 2 साल का बोनस देने की बात कही थी, बोनस का भी भुगतान तत्काल किया जाना। प्रदेश सरकार